डायलॉग कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त. आई गॉट अ लाइव हिट फ्रॉम इंडिया. वी आर हैविंग अ डायलॉग ऑन इस्लामाबाद से है. जनरल साहब, जिस तरह की कृष्णन साहब ने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो चाहते ही नहीं पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो, उसमें हो सकता है कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स हो, उसमें हो सकता है वो दहशतगर्दी वाले अनासर भी हों. आप समझते हैं कि ऐसे अनासर हैं? जी, लेकिन एक और मसला है, फरिया इससे बड़ा है. वो ये है कि असूलों की बात अलग है, वो हम जरूर बात कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड जिस तरीके से काम होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. अब देखिए, जब आपको मजबूरी हो जाए किसी ना किसी वजह से, मैंने तो पहले कहा ना कि डायलॉग दोबारा रिज्यूम होना था कई वजूहत से, उसके बाद अभी बाकी आप उसको रैशनलाइज कर सकते हैं कि इस वक्त हमारा चूंकि एक डेमोक्रेटिक, हालांकि मुशर्रफ के जमाने में भी मैं सुनता था कि आजकल बड़ी हालात अच्छे हैं, मुशर्रफ सारे डिसीजन ले सकता है. मुशर्रफ साहब तो कहते हैं मैंने सॉल्व भी करा दिया था तकरीबन. इसी तरीके से करवा दिया था वैसे उन्होंने मसला, नहीं वो उसकी बात बाद में करेंगे. इसी तरीके से जब चीन की बात करते हैं, आज चीन के साथ अगर टेंशन है तो हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या हम समझें कि जब कल चीन के साथ दोबारा, क्योंकि आखिर 50 बिलियन के पता नहीं कितनी ट्रेड है, ठीक हो जाएगा तो डायलॉग बंद हो जाएगा? इसी तरीके से हम सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट्स देते हैं कि जी हम बहुत बड़े, हमें बहुत तकलीफ है, और ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ये प्रोसेस जो है डिरेल कर सकते हैं. हकीकत ये है कि मैं अगर दिल्ली में बैठा हूं, मुझे अगर वहां पर डिसीजन लेना हो मुंबई के बाद, मुझे एक बहुत बड़ा पॉज तो देना ही है, मैं बिजनेस एज यूजल तो कर नहीं सकता हूं. और दूसरा बात यह है कि फिर ये भी देखना है कि हमने अब क्या करना है, कि कौन सी इफेक्टिव रिस्पांस दे सकते हैं. अगर मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती नॉर्मल वाली, 2002 वाली देख ली, इस दफा भी लोगों ने कहा कि इतना बड़ा मुल्क है आप सही तरीके से उनको, पाकिस्तान को दबा नहीं सके, तो मुझे कोई ना कोई कोल्ड स्टार्ट, कोई लिमिटेड वॉर, इस तरह की बात प्रोफेशनल जो है ना वो तो अलग बात हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ये कहना है. और कुछ नहीं करना तो डायलॉग को हमने फ्रीज करना और कहना आइंदा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन आखिर में मजबूरी है सिचुएशन की कि कंपोजिट डायलॉग में हम वापस इसलिए आएंगे क्योंकि वो फ्रेमवर्क बहुत साउंड है, हमेशा आए हैं पिछले 10-12 साल में ही देख रहे हैं. और दूसरा ये कि जिन चीजों को हम कंडेम करते रहते हैं ना, ब्यूरोक्रेटिकली, डिप्लोमेटिकली और बस दफा टेक्नोक्रेटिकली भी, जॉइंट टेरर एंड मैकेनिज्म, शमशाह साहब ने बात की थी उसकी, कैसे हमने बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, लेकिन कोई टेक्नोक्रेट उसके हक में नहीं होगा. लेकिन अगर हमें वाकई सही रास्ता निकालना हो इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात को दोनों तरफ से सॉल्व करने के लिए, तो हमें उसकी स्पिरिट पर किसी वक्त तो वापस आना है. जॉइंट इंटेलिजेंस, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, और मुझे नहीं पता क्योंकि उसके बाद मेरी वो एक्सपर्टीज खत्म हो जाती है कि क्या जॉइंट ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं कि नहीं. आप क्या समझते हैं कि डायलॉग पहले होता रहा उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका, अब कोई नतीजे की उम्मीद रखनी चाहिए? अगर तो मैं अपनी ओपिनियन दूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं. इससे पहले मैं एक एक छोटा सा कमेंट, कृष्णा साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिससे मैं नहीं एग्री करता. उन्होंने ये कहा कि इंडिया हैज गॉन एक्स्ट्रा माइल. मेरा तो ख्याल है कि इंडिया हैजंट गॉन द एक्स्ट्रा माइल. अगर एक्स्ट्रा माइल ये विद इन 6 मंथ्स में चला जाते तो आई वुड हैव प्रोबेबली सपोर्टेड, बट आफ्टर 14 मंथ्स. और फिर आपकी हिस्ट्री ये है कि 2001 और 2002 में आपने 10 महीने के बाद आपने रियलाइजेशन हुई, अगेन हालात चेंज हो गए. अब ये 14 महीने के बाद हालात चेंज होंगे. इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूं कि इंडियंस प्लेड राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द हार्डलाइनर, और उस वक्त टोटल डिनाइल था हर चीज का, एवरीथिंग वाज यू नो ब्लेम्ड ऑन पाकिस्तान. इट्स नाउ रिसेंटली इवन मैन लाइक चिदम्बरम इज नाउ बिगिनिंग टू से दैट there were some local Indians also may have been involved. I mean, there was no recognition of these things, and the Pakistan has been, you know, drumming this. But as far as the dialogue is concerned, I am all for it. But again, I will probably support Shamshad that, you know, it's a unifocal only on terrorism. No, I would say you better go back to the composite dialogue because aapne 4 rounds kiye hain and you have covered a lot of grounds. और काफी चीजें आपने अचीव की हुई हैं. अब अगर ये आप शुरू से शुरू करते हैं तो ये हुआ ना, आप ए से शुरू करते हैं, एल पे पहुंचे, फिर कहते हैं चलो दोबारा वापस ए पे चले. अब ये और ये सॉल्व नहीं करेगा. मेरा अपना ख्याल है कि अगर डायलॉग करना है तो आई थिंक द पाकिस्तानी शुड गिव दिस काइंड ऑफ
a statement that it should be a resumption of a composite dialogue, which should include and include terrorism. I'm not denying. But it should not just focus not on just terrorism. ठीक है शमशाद साहब आपके साथ agree करें यहाँ पे. साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ठीक है हम गुस्सा करते हैं कि इंडिया ने काफी ज़्यादा आकर दिखाई मुंबई अटैक्स के बाद, मगर जो एविडेंस प्रोवाइड की गई उसने कन्विंस कर लिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी. आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए जिस किस्म के हालात हमारे खित्ते में हैं उसमें हर कोई एक ही जाविये से देखेगा, तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि जितने भी एनालिसिस हो रहे थे इस सारे वाक़े पर वो डिस्पैशनेट थे या बिल्कुल न्यूट्रल थे. लेकिन इसके साथ साथ फ्रिया मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं कि हम ये पिछली बातों को कुरेदें.